बॉडी के त्रिदोष को जानकर अपने सफेद बालों को अगर आप काला करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक लोहे का पतीला लेना है, एक लोहे का कोई भी पैन ले लीजिए दोस्तों। और क्योंकि हमें लोहे का पैन इसलिए लेना है क्योंकि इसमें आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है और बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैं आप लोगों को हमेशा अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है जो वो लेना है, इसे हम सभी नीला पत्ता कहते हैं दोस्तों, जिसे कि हम इंडिगो के नाम से जानते हैं। इंडिगो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी मात्रा में इंडिगो का यूज़ करना है। अगर आपके बाल काफ़ी लंबे हैं तो यहाँ पर आप कम से कम 150 ग्राम तो इंडिगो आप ले लीजिए, 100 से लेके 150 ग्राम तक इंडिगो आप ले लीजिए। मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं तो मैं इसी अकॉर्डिंग इस तरह से इस पाउडर को ले रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। और जब आप आयरन के पैन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका कलर और ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है। इंडिगो नीला पत्ता जिसे हम कहते हैं, इससे हमारे बालों की डैंड्रफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, साथ ही साथ हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इंडिगो हमारे बालों को कंडीशनिंग देती है, नॉरिशमेंट देती है और प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर से बचाती है। अगर आपके बाल जैसे प्री मैच्योर होना स्टार्ट हो चुके हैं, अर्ली एज में अगर आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे इंडिगो का इस्तेमाल ज़रूर करिए, ठीक है। उसी के साथ में आपको यहाँ पर लेना है शिकाकाई पाउडर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लंबे समय तक अगर आप शिकाकाई पाउडर का अगर यूज़ करते रहेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़े चम्मच के तकरीबन देखिए शिकाकाई पाउडर डाला है, वैसे ये ख़त्म हो गई है तो मैं और भी इसे मंगवा लूँगी। तो इस तरह से आपको एक चम्मच के तकरीबन शिकाकाई पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। शिकाकाई पाउडर आपके स्कैल्प के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे क्लींस करने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसीलिए ये आपके बालों की हेयर लेंथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और हेयर क्लींजर का तो ये काम करती है, प्रिवेंट करती है डैंड्रफ से, और आपके जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं दोस्तों उससे भी ये प्रॉब्लम से निजात दिलाती है, ठीक है। तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम्स में शिकाकाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे, इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे। तो यहाँ पर आपको इंडिगो के साथ में शिकाकाई पाउडर को ले लेना है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर लेना है हिबिस्कस पाउडर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसानी से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पंसारी की दुकान में इजीली मिल जा रही है, ऑनलाइन मिल जाती है। तो इस तरह से हिबिस्कस पाउडर आपको लेना है दोस्तों। इसका कलर कुछ इस तरह से दिखता है। अगर मैं हिबिस्कस की बात करूँ तो बहुत अच्छे होते हैं हिबिस्कस लीव्स हमारे, अगर आपने शैम्पू में भी यूज़ कर लिया ना, शैम्पू अगर करते हैं तो हिबिस्कस इस तरह से अगर आपने यूज़ कर ले तो काफ़ी अच्छा होता है। गुड़हल के जो फूलों का रस होता है दोस्तों, ये हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये नेचुरल तरीके से आपके बालों को डार्केन करने का काम करती है। और ये आपके बालों पे जो जैसे कि जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन की अगर प्रॉब्लम हो गई तो ये उस पर काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो ये देखिए हिबिस्कस मैंने यहाँ पे कुछ 3 से 4 बड़े चम्मच लिए थे और ये भी मेरी फिनिश हो चुकी है। तो मैंने बोला चलिए मैं आज आप लोगों के साथ में अच्छी खासी रेमेडी शेयर कर देती हूँ, ताकि देखिए मुझे इसे यूज़ भी करना है। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होते हैं हिबिस्कस, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। और ये देखिए कैसे है ना फ्रेंड्स, हम एक नेचुरल सा डाई प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, हम कुछ भी ऐसा कोई भी केमिकल वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी जड़ी बूटियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। एक प्रॉपर आपको सोल्यूशन मिल जाता है कि आप अपने बालों पर ही से लगा करके अपने बालों को जड़ों से काला कर सकते हो, एक नेचुरल डाई आप बना सकते हो। क्योंकि देखिए जो इसका हम जब नेचुरल चीज़ें कुछ बनाते हैं तो इसका जो स्टेन होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अभी इसे रिटेन करने के लिए, आपके बालों में फिर से वो कलर जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। और इसी के साथ में हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा रह गया है रीठा पाउडर, ठीक है, इसे भी मैं डालूंगी क्योंकि हेयर क्लींजिंग की अगर मैं बात करूँ, स्कैल्प एकदम साफ होने चाहिए उसके लिए रीठा पाउडर 1 चम्मच, ठीक है। यहाँ पर अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को आपको ले लेना है। ये देखिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ले ली हैं और इसके अंदर आपको बस थोड़ा सा मेहंदी ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो हमने यहाँ पे इंडिगो का इस्तेमाल किया है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है उससे हमारे बाल और भी ज़्यादा डार्कर हो जाते हैं। अगर आपने इंडिगो के साथ में मेहंदी का इस्तेमाल किया तो ये और भी अच्छी तरीके से बालों को कवर अप कर देते हैं। आप देखिए अगर आपके बाल लाल हैं, जैसे सपोज़ अगर कभी आपने कोई हेयर कलर किया होगा पार्लर में जाके, या घर पर ही कोई मेहंदी लगाई होगी, या फिर कोई भी हेयर कलर भी किया होगा,
उसकी वजह से देखिए बाल है ना थोड़े बहुत रेडिश हो जाते हैं या ब्राउनिश हो जाते हैं। अगर आप ब्लैक कलर देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तो इंडिगो को इस तरह से यूज़ करिए। देखिए जो जितने भी पाउडर्स हमने डाले हैं यहाँ पर, तो वो प्री मैच्योर ग्रेइंग के ऊपर वर्क करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को ये नेचुरल तरीके से काला करेगा। तो आपको यहाँ पर लेना है मेहंदी। मेहंदी से क्या होगा, जो भी आपने जैसे कलर वगैरह किया है तो वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। जो नेचुरल अगर कलर आप चाहते हैं तो वो कलर आपका उभर के आ जाएगा। तो आपको फिर से अगर कभी कुछ करना है जैसे बालों पर कलर वगैरह तो आप कर सकते हो, लेकिन ये जो तरीका है इससे आपके बाल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने कोई केमिकल प्रोसीजर भी किया है दोस्तों, तो ये रेमेडी आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने जैसे कहा कि त्रिदोषों पे ये वर्क करता है, कैसे करता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर मेहंदी भी यूज कर लेते हैं, कुछ 3 से 4 बड़े चम्मच। तो इस तरह से मेहंदी को आपको ले लेना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मेहंदी भी हमने ले लिया है अच्छी खासी क्वांटिटी में। ये देखिए अच्छी तरह से इन सारी चीजों को, सारे पाउडर को आपको ले लेना है, मिक्स कर लेना है। जैसे त्रिदोषों का अगर मैं बता दूं तो उसमें वात, कफ और पित्त, ये 3 दोष हमारे बॉडी में अवेलेबल होते हैं, और इसे मेंटेन करना और बॉडी को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अच्छी डाइट ले सकते हैं, स्प्राउटेड चीज़ें खा सकते हैं दोस्तों आप, साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल है उसको आप हमेशा यू नो मैनेज करिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना होता है। सेकेंड जो होता है दोस्तों, उसमें आपको अच्छी खासी मात्रा में पानी का इंटेक ज़रूर करते रहना चाहिए, और उसके साथ ही साथ आंवला और एलोवेरा का जूस आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक तो लेना ही चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे बालों के लिए, हमारे जो स्टमक होता है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए हमारे काफ़ी अच्छा होता है। आंवला का किसी न किसी रूप में ज़रूर सेवन करिए, जिससे आपके बाल कभी बीच में से टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं और सफ़ेद जल्दी नहीं होते। तो इन सारी चीज़ों को करना ज़रूरी है। उसी के साथ में देखिए जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, ये आपके हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है, और जैसे आप अपने स्कैल्प पे लगाते हो ना तो काफ़ी अच्छा आपको ठंडक मिलता है। मेहंदी काफ़ी अच्छी होती है हमारे त्रिदोषों को शांत करने के लिए, ठीक है, आपके बॉडी में जो वात, कफ और पित्त होता है उसे बैलेंस करने के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे गरम गरम पानी लिया है दोस्तों, और इस तरह से इस रेमेडी में आपको मिक्स करके डाल देना है, और अच्छी खासी मात्रा में ये एक पैक आपका बन करके रेडी हो जाएगा। लम्स फ्री बनाना है इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। आप गर्म पानी जितना अच्छी तरह से यूज़ करोगे ना तो ये आपका रेमेडी जल्दी रेडी हो जाएगा। मीन्स आपको अगर बॉईल करके प्रिपेयर करना है तो भी कर सकते हो, और गर्म पानी इस तरह से डाल करके बनाना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं इसे आप लोगों को अच्छे से मिक्स करके दिखाती हूँ। ये आपका पैक देखिए एकदम रेडी हो गया है। ये इंस्टेंटली एक ऐसा पैक है जिसे कि आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जैसे ही इसे थोड़ी देर अगर आपने ढक करके रख दिया तो ये और भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। और ये वैसे तो आयरन पैन है, इसे इस तरह से, ये देखिए सारी चीज़ों को हमने डाला है और आपके सामने ही रिजल्ट है। ये ब्लैक कलर आप देख सकते हो। इसे अभी मैं ढक के रखूँगी कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, उसके बाद जब ये पूरा अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद इसका एप्लीकेशन लगाऊंगी दोस्तों, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों को आज की रेमेडी शेयर की है दोस्तों, तो ज़रूर इसे फॉलो करिएगा, और आप देखिए आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे हम देखिए मेहंदी की मैं बात कर रही थी, जैसे त्रिदोष अगर होते हैं तो काफ़ी पहले से ही हमारे दादी नानी मेहंदी का इस्तेमाल करते आ रहे थे, बट उन्हें इंडिगो के बारे में नहीं पता था। तो इंडिगो और मेहंदी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग होता है। और जो हमने यहाँ पे शिकाकाई, आंवला, रीठा, अगर आप जो भी इसमें ऐड कर दो तो ये और भी 4 चांद लग जाते हैं आपके बालों के लिए, आपके बालों को ग्रोथ करने के लिए, बालों को सफ़ेद ना होने देते हैं। देखिए बहुत सारे जो बुज़ुर्ग थे वो तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करते थे, अपने बालों को काफ़ी लंबा और काला घना बना करके रखते थे, बट आज के डेट में क्या है, जो बहुत सारे यू नो यंगस्टर हैं उन्हें पता नहीं चलता है और उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो क्या करें। तो इस रेमेडी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे यूज़ करने से ही आपके बालों पे बहुत अच्छी सी यू नो ग्रोथ भी होगी, बाल आपके सफ़ेद भी नहीं होंगे, बालों को आप इस तरह से नेचुरली काला कर सकते हैं, आपके अपने बालों पे ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर भी आ जाएगा। तो चलिए इसे हम ठंडा करने के बाद अपने बालों पे लगाएंगे। बिल्कुल इसे लगा करके दोस्तों 1 घंटा ज़रूर छोड़ दीजिए, और नॉर्मल पानी से आप बालों को धो लीजिए।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बालों को धोने के बाद आप दूसरे दिन शैम्पू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सेम डे आपको शैम्पू नहीं करना है। और अपने बालों को एकदम साफ सुथरा, मतलब गंदे बालों पे तो बिल्कुल भी इस रेमेडी को मत लगाइए, बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इस पैक को लगाना है, किसी भी ब्रश की हेल्प से, ब्रश का हेल्प ले लीजिए और अच्छी तरह से देखिए ब्रश की हेल्प से आप इस तरह से इसे पिक कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेना है और काफ़ी गरम गरम है अभी तो ये, इस तरह से लेकर के आप अपने बालों पे इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसे प्रिपेयर कर लिया है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आपके बाल छोटे हैं, बड़े लंबे हैं, तो क्वांटिटी वाइज आप इसे ज़रूर लीजिए, बट इंग्रेडिएंट्स काफ़ी कमाल के हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ में ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।